धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। लड़की की सांसें थम चुकी हैं। लड़का ऐसे तड़प रहा है जैसे उसकी खुद की सांसें थम गई हों। उसे बचाने की तड़प लड़के में देखते हुए लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इन दोनों को देखकर आपका ये सोचना गलत नहीं होगा कि इन दोनों के बीच कई सालों का प्रेम है, पर इन दोनों के बीच का संबंध पिछले 18 घंटों का ही है। सिर्फ हादसे ही नहीं बल्कि मुलाकात भी कभी कभी अनजाने में हो जाती है। आखिर ये दोनों कौन है, कैसे, कहाँ, किस लिए इनकी मुलाकात हुई, इन दोनों का इस हादसे का सामना करने का कारण क्या है, ये सब आपको अस्पष्ट लग रहा है ना? इसकी स्पष्टता जानने के लिए अब हम इनकी कहानी देखते हैं।
out my ride and they ask what the dilla. Look into my eyes, cause all they see is Skrilla. On the track they projects, but me, I'm a filler. Villa, listen to the baddest bitties on my status. Flies apparatus, try never passes. I'm too fly, voodoo guy, you busy me. वाह, खूबसूरती में मेरा कोई जवाब ही नहीं है। बॉलीवुड मूवीज की सारी हीरोइंस की नखरी झेलने के लिए भी मेरी नखरी झेलना बहुत ही मुश्किल होगा। वैसे मेरे वेट लॉस होने के बाद मेरी खूबसूरती मुझे ही बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी के अभी माँ से नजर उतरवाती हूँ। हे समी, क्या हुआ तुझे? असल में मेरी खूबसूरती के मुकाबले में अगर कोई है तो वो तुम ही हो माँ। तुम अपनी यंग एज में भी बॉलीवुड मूवी की हीरोइन हुआ करती थी ना? मैडम, पौधा वहाँ रख दिया है मैडम। पौधे किस लिए माँ? पौधे किस लिए माँ? कुछ नहीं बेटा, दुनिया में बस ऑक्सीजन पहुँचा रही हूँ, जिससे तुम 100 साल जियो, आराम से रहो, उसी की कोशिश है। इसीलिए कल तुम्हारे जन्मदिन से लेकर अगले आने वाले जन्मदिन तक 10,000 पौधे लगाना चाहती हूँ। अरे अरे समी, अरे जल्दी लेके आने, घड़ी क्या है, जल्दी कर, जल्दी कर ना। ओके ओके। बिल्कुल पागल है तू, देखना चाहिए ना तुझे, बेचारे की कुछ ही पलों में जान चली जाती। सुबह मेरा हाल भी ऐसा ही था ना माँ, आज इस मछली की तरह मैं भी तड़प रही थी। आज हम दोनों की जान बचाने वाली सती सावित्री हो तुम माँ। ऐसी बातों की बिल्कुल कमी नहीं है तेरे पास, इनहेलर रेसिस्टेंस को बिल्कुल भी मत भूलना। बेटा तेरे लिए मुझे बहुत टेंशन होने लगी है, तो खुद का ख्याल क्यों नहीं रखती? अपना ख्याल रखूंगी माँ। ठीक है, लौटते वक्त ना इस मछली के लिए एक जोड़ीदार ले आना। ठीक है, बाय। अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। हे ऑटो, किधर जाना है मैडम? बेसल मार। आ जाओ, आ जाओ, किधर जाना है मैडम? Nice, yeah. Yeah.
दादा, कैसे हो दीदी? हाय पवन। कितने राउंड्स कंप्लीट किए दादाजी ने? 5 राउंड फिनिश कर चुके हैं। तू बता, तेरे राउंड्स कितने फिनिश हुए? वो तो मैंने बस 2 ही राउंड्स किए दीदी। अरे सिर्फ 2 ही बेटा, यंग एंड एनर्जेटिक हो तुम तो, कम से कम 10 राउंड्स तो कंप्लीट करने ही चाहिए। पूरे दिन भर में टारगेट पूरा हो जाएगा दादाजी। दादाजी संभाल। ये सब तो ठीक है, पर पवन, स्पेन में एक अच्छा म्यूजिक एल्बम बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी ना, मेरे बारे में क्यों सोचते हो? इतने अच्छे मौके को छोड़ दिया? तुम्हारा ये काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें और बहुत कुछ देखना सीखना बाकी है बेटा, मेरी बात मानो, उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लो और आज ही उनको एक मेल भेज दो। मैं अपनी सेहत का ध्यान मैं खुद अच्छे से रखूंगा बेटा, ऐसा मौका फिर बार बार जिंदगी में नहीं मिलता बेटा। दादाजी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो क्या, कुछ भी छोड़ सकता हूँ, और इस मामले में मुझे और परेशान मत कीजिए, आपके मामले में कोई भी कमी नहीं हो सकती है। You're my hero. That's it. और आप इस बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? कल आपका बर्थडे है, ग्रैंड सेलिब्रेशन करना है, उसके लिए मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, तो आपका बाबू बहुत बिजी होगा, और ऐसे टाइम में आप ईमेल्स को फाइल्स को लेकर परेशान मत होना। ओरे छोटे, मैं तुझे सारे सामानों की लिस्ट मैसेज कर चुकी हूँ, बिना कुछ मिस किए सब कुछ लेकर आना। ठीक है, लेकर आऊँ। दादाजी, ओए, देख के चलना चाहिए था ना, जब दिखाई नहीं देता तो सड़क पे निकलते क्यों? दादाजी अब ठीक तो ना? दीदी, तुम दादाजी को लेकर घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। हे पवन, तो क्या चाहिए? ए, वो लड़की कहाँ है जो उस ऑटो में आई? ओ अच्छा, वो लड़की ट्रैफिक ज्यादा के घर बीच में उतर गई वो। हाँ। साले तू रैश ड्राइविंग कर रहा था, तू और तेरा जोश। मतलब वो अपने रणवीर सिंह में जो जोश ज्यादा है ना, तो इतना तो मुझ में बनता ही है। अरे हाँ। इतनी रैश ड्राइविंग रणवीर सिंह को भी अच्छी नहीं लगेगी, वो मिलेगी तो उसे खींच कर दूंगा कान के नीचे उसके रैश बिहेवियर के लिए। अरे भाई, हैप्पी ग्रीन डे भैया। हैप्पी ग्रीन डे। थैंक यू। Let me fly away, रंगीले पर मेरे। सुन क्या धुन कहे, गाले संग मेरे। सपने है नए, खेले खेले बोल से। मन मेरा यहाँ पिघला प्यार से। आसमान क्या उड़ने को खुला मेरे लिए। नए राग में खुद को तू जरा होले से अब तू बहने दे। मन चला है दिल ये, ए मन चला है दिल ये, मन चला है दिल ये, मन चला है दिल ये, मन चला है दिल ये। मेरा दिल ये गाने लगा और बीट पे मैं भी नचा। When the sings go sa na ga ma, कहो ऐसा क्यों ना होगा। ठहरा बाबा।
जब चाहे कोई दिल से कर आसमां हवा का हर झोंका उड़ान है आवाज जिसको मिले दुनिया की ठोकरें बोलेगी जन्मो जन्म जग के लिए मन चला है दिल ये संग मेरे सपने है नए खेले के ना फूल से मन मेरा यहाँ पिघला प्यार से बहने दे मन चला है दिल ये ए मन चला है दिल ये 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 अरे आना तो भूल गई अब जरा डोर ओपन कीजिएगा मुझे बाहर जाना है हेलो मुझे बाहर जाना है डोर ओपन करने बोला तो लोअर बेसमेंट क्यों प्रेस कर रहे हो स्टॉप बटन प्रेस करो मैं नेक्स्ट लेवल पर उतर जाऊंगी शरीर से सुनाई नहीं देता होगा तेरे गाल पे मारते ही एक्शन फिल्मों की तरह किसी बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आना लिफ्ट का इस तरह गिर जाना ये किसका किया करा लगता है तेरे घमंड का या मेरे हाथ की पावर का ये साइको कौन है रे तू लिफ्ट रोकने बोला तो थप्पड़ मार दिया ए चिल्ला किस ले रही है दर्द हो रहा है क्या तो सामने वाले के दर्द के बारे में क्यों नहीं सोचती तू खुद के दुखी होने पर कारण चाहिए और दूसरों को दुखी करने पर कारण जरूरी नहीं है है ना हेलो समझता क्या है खुद को बकवास करे जा रहा है सुबह सुबह दारू पी के आ गया है ड्रामेटिक मूवी के डायलॉग बोले जा रहा है बेवकूफों की तरह बिहेव करने के लिए तेरे कान के नीचे खींचा अप्सरा बनी फिर रही एक बार शीशा देख ले सूट नखा मुझे नहीं लगता तुम में जरा सा भी सेंस या कॉमन सेंस है भी इतना एटीट्यूड तुम जैसों को सूट नहीं करता सुंदर लड़कियों को करता है अंगूर के आगे ना लंगूर को चुप ही रहना चाहिए
चुप कर मेंटल। बोलिया देख ले खुद का हाथ में मछली और मुंह पर चॉकलेट लगाकर मुझे मेंटल बोल रही है। अरे मेंटल बोल दिया क्या? आई एम सो सॉरी। गुस्से में लगता है छोटी सी बात बोल गई। गंदी बातें मुझे नहीं आती, तुम बुरा मत मानना। क्यों गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? बेवकूफों की तरह बिहेव कर रहे हो, बिना क्लैरिटी के, बिना कंफर्म के ही मार दिया। असल में तुम हो कौन वो भी मैं नहीं जानती। वैसे भी सड़क पर पागल कुत्तों को चिल्लाने का कारण कुछ भी हो सकता है। आ, क्यों नहीं? भौंकने के भी होते हैं। मैं लिप के पास खड़ा हूँ, तुम लोग वहाँ देखो ना। अरे कहाँ जा रहे हो? लिप चेक करने सर। वो सब हम लोग देख लेंगे, लेकिन तुम उस तरफ मत जाओ। अरे बाबा कौन से कोने में कौन सा बम फट रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सच में सर? हम इसी टेंशन में, समझ में आ रहा है कि नहीं? चल जा। सर जाने दो ना। ए, जा। सॉरी सर। ए गंगाधर, इस समय कहाँ हो तुम? सीनियर के साथ सपोर्ट करना चाहिए, इतना नहीं जानते? लिफ्ट चेक करने आया था सर मैं। तुम ऊपर से लेके नीचे तक लिफ्ट चेक करने गए हो क्या? यहाँ लोगों को बाहर कौन निकालेगा? कम ऑन, 10 मिनट के अंदर तो मेरे सामने होना चाहिए। ओके सर, अभी आता हूँ। हेलो, कोई है क्या? हेलो प्लीज सिक्योरिटी ओपन द डोर्स। सिक्योरिटी! बाप रे, ये तो जैसे युवरानी है ना। कोई है वहाँ? ऐसे चिल्लाने से जैसे सिक्योरिटी वाला आएगा और बोलेगा, बोलिए मैडम क्या प्रॉब्लम है। जशा, बाहर निकलते ही तुम पर केस करके तुम्हें अंदर ना कर दिया ना, देख लेना। हेलो, पहले तुम बाहर तो निकलो सूर्पनखा। इतनी बड़ी स्ट्रेस बस्टर हो तुम, इसलिए अब तक सब ठीक है सन, नहीं तो दिमाग बहुत गर्म हो जाता, बहुत मुश्किल है। हेलो, कोई बाहर है? कोई बाहर आ है? कोई बाहर छे? अब क्या शुरू कर दिया इसने? कोई बाहर आ छे का? Can anyone hear me out there? ए, कोई बाहर है कि नहीं? एक्चुअली मेरे एक अंकल ने मुझे बताया था कि हिंदी भाषा में पहले रोकर बाद में बाकी भाषाओं में रोने से बहुत फायदा होता है, उससे लोग जल्दी सुनते हैं। गुस्सा है क्या? हेलो, एनीवन देयर? लगी रहो। आज सुबह 11:20 पर दिल्ली के हाई स्ट्रीट मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इस दुर्घटना के मॉल के ऊपर वाले हिस्से में लिफ्ट शाफ्ट पावर शाफ्ट के पास होने के कारण किसी भी तरह की प्राण हानि ना होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ है। सहायक कर्मियों ने मॉल के सारे लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालकर मॉल को तत्काल के लिए बंद कर दिया है। ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हुआ इस पर जाँच शुरू हो चुकी है, आप हमसे जुड़े रहें। फैन होता तो अच्छा होता। Idea, baby. रात को मैं कैसे सोऊं, baby? रूप चाहिए, help चाहिए, train से छू-छू करती हो, तुम क्या हो, मैं क्या हूँ, बीच हमारे झगड़ा क्यों? What an idea, baby. Why are you behaving so crazy? Bus stop पर मदद कर दो बाबू, वैसा pamphlet लग रहा है। चूड़ियाँ इतनी अच्छी लगती हैं? अच्छी नहीं, बेहद अच्छी लगती हैं। हाथ में चूड़ियाँ, बालों में गजरा हमेशा हुआ करता था, पर जब से तुम्हारे पापा दूर चले गए हैं ये सब चीजें भी मुझसे बहुत दूर हो चुकी। इस बार तुम्हारे लिए बहुत सुंदर चूड़ियाँ लेकर आऊंगा। दो चूड़ियां फेंकने का आइडिया देखकर
ऑडियंस के फ्यूज उड़ गए होंगे, जानती हो? मामू, अगर लड़की आइंस्टाइन होती तो कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकती है, जरा सोच ले। भाई शिट, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। गैर जिम्मेदार बनकर तुम ऐसे पत्थर की तरह खड़े होने के बजाय जो गलती हुई है उसे सुधारने की कोशिश कर सकती हो ना तुम? गॉड, थैंक्स फॉर द बैकग्राउंड बीट। मछली जैसा मुखड़ा सांप तू डसे, है अर्थ क्या है इसका, तू है घूम के तू जो अर्थ पे गिरे। यू तो तेरा सुंदर सा ये चेहरा जैसे कोई शायर शायर कहे, दुनिया में है और भी हसीना पर मुझे तू अलबेली दिखे। है डंक जैसी आंखें मछली जैसा मुखड़ा सांप तू डसे, अर्थ क्या है इसका, तू है धूम के तू जो अर्थ पे गिरे। में क्यों बंद रे, फेस को तू मास्क के पीछे दबा ले, बंदा वैसे भी यहाँ आवाज पे ही तो चले। कुंडली से तेरी जो भी है बता, गर्मा गर्म तेल में है वो जला, असल बात मान लो ना चेहरे पे वो तो दिल में। तू है जैसे आईना किसी दीवार पे, टूटा हुआ दिल है क्यों तू दया ना करे। जल्दबाजी लगती है तू फिर तू रहने दे, जाएगी जवानी तेरी भी ये सोच ले। उंगलियों पे तेरी ये जहान ना चले, तू है ऐसा कांटा जो किसी ने में चुभे। खूबसूरती के नुकसान है बड़े, जंगलों से इसके कोई खुद भी ना बचे। तेरा सुंदर सा ये चेहरा जैसे कोई शायर शायर कहे, दुनिया में है और भी हसीना पर मुझे तू बोल बेली दिखे। क्या है, खा चुके हो ना? अब हजम करने के लिए दरवाजा ठोकना शुरू कर दो। पहले तो तुम्हें ठोकना चाहिए। आखिर इस लिफ्ट में आकर मुझे क्यों मारा? अब क्लैरिटी मिल गई क्या? क्लैरिटी मिलने का क्या, मैंने मन से वचन से कर्म से पूरे होश और आवाज में कंप्लीट सेंस के साथ कॉमन सेंस के साथ कॉन्फिडेंस से गुस्से से बदले से क्लैरिटी के साथ तेरे कान के नीचे एक बजाया। वही क्यों? What the heck I have done to you? तुम ऑटो से मॉल में आई हो ना? ऑटो में आई तो मार दोगे क्या? अरे यार,
तुमसे ज्यादा अच्छा दिमाग तो इस मछली का होगा। सच में? मेरे पास ज्यादा? आते हुए रास्ते में एक बुजुर्ग ऑटो से टक्कर खाते हुए बचा तो तुमने उन्हें क्या कहा? एक बेचारे अंधे बुजुर्ग रोड पार कर रहे थे, उन्हें नजरअंदाज करके अपने घमंड में चूर होकर चिल्लाई थी ना तुम दादाजी? ओए, देख के चलना चाहिए था ना, जब दिखाई नहीं देता तो सड़क पर निकलते क्यों? वो मेरे दादाजी, उन्होंने बचपन से मेरी माँ की तरह परवरिश की। ऐसे इंसान को खामखा कोई कुछ बोलेगा तो तुम ही बताओ मैं चुपचाप कैसे बैठ सकता हूँ? इसीलिए मारा था? हाँ तो और क्या? अगर इसीलिए है तो तुम्हारे गालों पर चाटा मुझे मानना चाहिए। असल में मैंने क्या बोला और तुमने क्या सुना? ए! सॉरी। देख कर नहीं चला सकते क्या? दिखाई नहीं देता तो सड़क पे निकलते क्यों हो? इसलिए इतनी रैश ड्राइविंग? ऑटो के तुरंत निकल जाने की वजह से बस वहां से उतरकर मैं तुमसे माफी नहीं मांग पाई, समझे? स्टोरी, नरेशन एंड परफॉर्मेंस अच्छे से कवर किया तुमने। हेलो, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट सो चीप। बड़ों की इज्जत ना करूं, ऐसे संस्कार मेरी माँ ने परवरिश नहीं दिए, समझे तुम? इसीलिए मैंने तभी सॉरी कहा था। तुम्हारे दादाजी के साथ जो लड़की थी उससे पूछ लो, वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है वो मैं नहीं जानती, पर मेरी बातों में कितनी सच्चाई है ये वो लड़की बताएगी। दीदी से? जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, घर पर मेरी माँ परेशान हो रही होगी। मुझे लगता है लिफ्ट के मेन स्विच में कोई फ्यूज उड़ गया होगा। हा? अब तक तो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर चुके होंगे वो लोग। थोड़ा लिफ्ट हाउस को अगर जोर से मारेंगे तो सिक्योरिटी वाले आ सकते हैं। प्लीज जस्ट हेल्प। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे किसी फ्रेंड के यहाँ जाकर बहुत टाइम हो गया और लेट हो रही हो। सिचुएशन की क्लैरिटी नहीं मिली तुम्हें लगता है? सिर्फ फ्यूज उड़ जाने से और इस तरह वायर टूट जाए तो फटाक से लिफ्ट नीचे नहीं आ जाती है। तुम एक घंटे से दरवाजा खटखटा रही हो लेकिन एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया। एंड मैं मॉल में एंटर हुआ तब पुलिस स्टाफ और स्निफर डॉग्स हड़बड़ी में घूम रहे थे। आई गेस इट कुड बी अ बॉम्ब ब्लास्ट। हम लोग बेसमेंट में हैं शायद इसलिए हमें ब्लास्ट की इंटेंसिटी पता नहीं लग रही। बॉम्ब ब्लास्ट? प्लीज डोंट बी सो एनालिटिकल, काफी डेंजर तरीके से बोल रहे हो तुम। कम ऑन, ऐसे डरने से सच झूठ में नहीं बदल जाता। I think my guess is right. Intelligence report के warning के बारे में दो दिन पहले ही मैंने newspaper में पढ़ा था। पर मैं ये बात नहीं मानती तुम्हारी। Hey, तुम बहुत खूबसूरत हो, जानती हो? मेरे बारे में जो मैं नहीं जानती वो बात बताओ। तुम में बस ब्रेन थोड़ा है। You're such a jerk. Actually, वो खूबसूरत लड़कियों के पास ब्रेन थोड़ा कम होता है बोलते हैं ना। Oh God. God. असल में तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? हम कहाँ हैं, किस हालत में फंस चुके हैं? Relax. Lockdown के टाइम में हम लोग घर में बैठने के अलावा और क्या ही किए थे? अब उसी तरह लिफ्ट डाउन होने पर लिफ्ट में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए हैप्पीली टाइम पास करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हम। हम तुम एक लिफ्ट में बंद हो, बूम, और बम ब्लास्ट हो जाए। असल में सुंदर लड़कियां देखते ही सिचुएशन का एडवांटेज लेने लगते हो ना तुम सारे लड़के लोग। और सिचुएशन चाहे जैसी भी हो अपनी सुंदरता के गुणगान करना बंद नहीं करेंगी ना तुम सब लड़कियां। ब्लास्ट बोल रहे हो, लिफ्ट खराब है बोल रहे हो,
यहाँ पर स्टक हो चुके, तुम्हें इसकी टेंशन नहीं है या फिर मेरे सामने कवर कर रहे हो? ये क्या वाइब्रेट करते हुए हल रही है? इंडिया, ये क्या कर रही हो तुम? सपने से बाहर आओ जरा। ऐसे चिल्लाने से क्या होगा? कोई आकर दरवाजा खोल देगा क्या? कंट्रोल योरसेल्फ। मैं 5 क्लास करने का रस पी चुकी हूँ, कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? अच्छा ये बात है, वो घंटा 2 घंटे होते तो समझ सकते थे, लेकिन अगर 1-2 दिन हो गए तो टेंशन लेने से प्रेशर बढ़ जाता है, पर शांत रहने से हालात सुधरते हैं। सो बी कूल। गन्ने का रस देखते ही छोटी बच्ची बनकर बहुत ज्यादा भैग जाती हूँ। अब मेरा कर्म मुझे ही भुगतना होगा। ओह गॉड, प्लीज सेव मी। देखो, ऐसा करने से प्रेशर और बढ़ेगा। बोल रहा हूँ ना, इस स्टूल पर कूल होकर आराम से बैठो। जस्ट फील द प्लेजर, नॉट द प्रेशर। क्या बढ़िया पंचलाइन बनी। मैन फोर्स क्वांटम्स, जस्ट फील द प्लेजर नॉट द प्रेशर। अरे रे, पंचलाइन तो यहां भी बढ़िया सेट हो गई। सो क्रेजी नो। सॉरी। You want? अब ओपन करके पियो। तुम्हारा हाल भी इस कोला टिन जैसा ही हो रहा है क्यों? लकी टेन, वो तो रोना नहीं चाहती इसलिए हंस रही हूँ, लेकिन एक लड़की को अर्जेंटली वॉशरूम जाना है, लेकिन एक अनजान इंसान के साथ फंसकर परेशान हो रही हूँ, तो कैसा लगता है तुम नहीं समझ पाओगे। If you don't mind, मेरे पास एक आइडिया है। I don't mind, please बोलो तुम। अब जो मेरा हाल है, चाहे 2 दिन ही क्यों ना हो जाए, मैं पैंट में भी कर लूंगी, जैसा तुम बोलोगे वो भी चलेगा। I'm sorry, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। That's okay, मैं तुम्हारी हालत समझ चुका हूँ। Adult diapers, ये दादाजी के लिए लिए थे। अगर तुम्हें चलेगा तो इसे पहनकर तुम क्या यहाँ? तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? Thank you.
यू सो मच। भगवान जब प्रॉब्लम्स देते हैं तो उसके सोल्यूशन भी उसी के आसपास देते हैं। सो हमारे बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या यहीं कहीं होगा? क्या पता। हे, तुम्हारी दादाजी डायपर्स, वो उन्हें डीपीएच प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी पूरी दुनिया दादाजी है। मेरी समझ में आ गया है। कल उनका बर्थडे है, इसीलिए ये सारी शॉपिंग की है। है, कल मेरा बर्थडे भी है। What a coincidence. तो क्या उनके लिए लिया हुआ गिफ्ट मुझे देना पड़ा? Hey, come on. ये कोई गिफ्ट में देता है क्या? I'm sorry, just kidding. ये है उनका रियल गिफ्ट। इंटर में मुझे डिस्टिंक्शन मिलने पर उन्होंने मुझे वॉच खरीद कर दी। वो वॉच बेचकर उनके बर्थडे के लिए ये गिटार खरीद लिया। चाकू से मेरा हाथ कट जाए तो चलेगा, लेकिन इसे खरोंच भी आई तो मुझे बहुत हर्ट होगा। लवली, क्या वो गिटार प्लेयर है क्या? मास्टर इलिया राजा जी। व्हाट? इलिया राजा जी तुम्हारे दादाजी है? तुम एक्चुअली कुछ नहीं रोक पाती हो ना? सॉरी। इले राजा जी और मेरे दादाजी के गुरु एक ही हैं। दादाजी को उनके पिता का सपोर्ट ना मिलने की वजह से म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना छोड़ दिया उन्होंने। जीन्स तो एक ही है ना, मुझे भी वही पागलपन है, लेकिन मुझे दादाजी का फुल सपोर्ट है। लकी यू। हाउ अबाउट यू? तुम मिस वर्ल्ड ट्रायल्स वगैरह दे रही हो क्या? बाप रे, कम ऑन, इनफ। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आई वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर। नाइस। सिंगर बनने के मेरे ड्रीम को पीछे खींचने वाला दुश्मन मेरे साथ ही रहता है। समझ में नहीं आया। मुझे अस्थमा है। बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाकर ऑडिशन देने का जब भी सोचा तब अटैक्स आ जाते थे। बिल्कुल भी नहीं गा पाती थी। इसकी वजह से मेरा ड्रीम आइसक्रीम की तरह पिघल चुका है, पता नहीं क्यों। कम से कम एक गाना तो रिकॉर्ड करके म्यूजिक कंपनीज में भेजना चाहती हूँ मैं, पर वो भी मुझसे नहीं हो पाएगा। ओहो, ऐसा क्या? इसलिए फिश लेकर जा रही हो? इसके लिए मतलब? अरे, अस्थमा का मतलब मछली के मुंह में दवा डालकर उस मछली को उनके मुंह में ठूसते हैं ना? अबे ये क्या बेकार की बातें कर रहा है भाई, चुप कर जा। नहीं नहीं नहीं, पालने के लिए। घर पे हीरोइन अकेली है तो उसके साथ के लिए हीरो को खरीदा। क्या बात है, वो तमन्ना जैसी होगी और तापसी जैसी। ओ शिट, आई फॉरगॉट, शॉप वाले ने हीरो को 4 घंटे बाद एक्वेरियम में डालने को कहा था। 4 घंटे बाद इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा बोला था। अब क्या करे, बाप रे। हे भगवान, आधे घंटे के अंदर मेरी जान जा सकती है। अरे कुछ तो करो पागल लोगो, मुझे बचा लो, बचा लो। इसके बारे में तो भूल ही गई मैं। तुम बहुत खूबसूरत हो यार। अरे मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे घबराओगी तो कैसे चलेगा? तुम ही ने तो कहा था प्रॉब्लम होगी तो वही सोल्यूशन भी होगा। वेट, टाटा। एस्ट्रिंग। अरे वाह, ऐश्वर्या राय ने कितनी सुंदर एस्ट्रिंग का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा किया। अरे रे बाप रे, इस एस्ट्रिंग की तारीफ सुनकर कहीं ऐश्वर्या राय बुरा ना मान जाए। ला छोड़ो अपन को क्या। थैंक यू। थैंक्स तो ठीक है, लेकिन अब तो अपना नाम बता दो। आई एम सॉरी, मेरा नाम समीराना है। समीराना, दैट्स अ लवली नेम। थैंक यू। आई एम पवन बाय द वे। तो मेरा नाम समीरना यानी श्वास, पवन यानी वायु। मतलब तुम्हारी सांसें चलने के लिए मेरी जरूरत होगी। हाँ, और मेरे डिक्शनरी में तो पवन का मतलब पावर ही है। 8 बज चुके होंगे, यहाँ से बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला। बेसमेंट में रहने की वजह से इस फोन का सिग्नल भी कम्प्लीटली डेड हो चुका है। बेचारी मेरी माँ परेशान हो रही होंगी। रिलैक्स एंड लेट्स होप कल सुबह तक कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आ चुका हो, शायद हम बाहर निकल जाएं। सो जस्ट चिल। चिल? फुल मूनलाइट में बीच पे चिल्ड बियर पीते हुए चिल हो सकता है, लेकिन खड़ी दोपहर में मिर्ची की भाजी खाते हुए कोई चिल नहीं हो सकता है बेटा पवन। बाप रे, लगता तुम्हारी फैंटेसी कुछ ज्यादा ही दूर की है। क्यों ना तुम अपनी फैंटेसीज मुझसे शेयर करो। अरे ऐसे घड़ी में जब तक कांटे थकते नहीं उसकी बैटरी खत्म होने तक का टाइम है हमारे पास, इसीलिए। असल में
खूबसूरत लड़कियों की फैंटेसीज जानने का थ्रिल ही अलग है। आखिर मनवाने तक माने की नहीं लगता। सॉरी नथिंग, कुछ थ्रिल की बात कर रही थी तुम। सो रोल कैमरा एक्शन। ओके यू नो काफी दिनों से मेरी एक फैंटेसी है। एक स्टाइलिश बाइक पर बैठकर एक ऐसे प्लेजेंट वाले सड़क पर जाते हुए उस सड़क के साइड के चाय की टपरी के पास बाइक रोककर इतने में उस चाय की टपरी में एक लड़का आकर क्या चाहिए दीदी? छोटे एक कटिंग चाय। ओए तुम मेरी फैंटेसी में क्यों आ गए? हाँ मैं कब आया लेकिन? तो फिर उन साउंड इफेक्ट्स में गिटार का साउंड क्यों सुनाई दे रहा था? अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी फैंटेसी से बाहर जाता हूँ। रुक जाओ फील बहुत अच्छा है कंटिन्यू करती हूँ। वो लड़का चाय के लिए अंदर जाता है। मैं अपने चिनिंग पॉकेट से मस्त एक सिगरेट निकाल कर माचिस जलाकर नहीं लाइटर से जलाकर एक पफ खींचती हूँ। वहां वो इलायची डालकर उबली हुई कड़क कटिंग चाय डालकर मुझे देता है। एक और चाय पीते हुए दूसरी ओर सिगरेट पीते हुए तीसरी ओर नेचर को एंजॉय करते हुए लास्ट पफ होने के बाद बचे हुए सिगरेट को ऐसे जमीन पर डालकर ऐसे पैरों से कुचलकर फुल रिलैक्स होकर बाइक पर बैठकर ऐसे चलाते हुए What a fantasy. एक नंबर की ब्लॉकबस्टर। क्या बात है बाइक सिगरेट क्या फायदा? फैंटेसी हमेशा हम जो करना चाहते हैं वो होता है या फिर करना चाह कर भी ना कर पाए वो हो सकता है। तुम्हारा कौन सा टाइप है? करना चाह कर भी ना करने वाला। ऐसा क्यों भला? बस मुझे बिल्कुल भी नहीं जमता। ठीक है पर तुम्हारी फैंटेसी क्या है? मेरी फैंटेसी से अब क्या करना, जाने दो। क्या हो गया? नथिंग, वो पागल पबजी वाले एक्शंस कम करो। यार, क्या? अच्छा वो सब ठीक है समीरना, अब थोड़ा सा रियलिटी में आ जाओ। बहुत जोर से भूख लगी है, शॉपिंग भी बढ़िया की है तुमने, कुछ खाने के लिए है क्या? या याद दिलाने के लिए तुम्हारा थैंक्स, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। बेचारा उसकी हालत तो मत से भी गई गुजरी हो गई। क्या पवन ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तुम चिल मारो। हे पवन, आई नो कि तुम भूखे हो, तुम लोग तो हमें हमेशा उल्लू बना सकते हो, है ना? कम ऑन यार, मेरे पास जितनी चीजें हैं उससे तो फुल डिनर ही हो जाएगा। एक्चुअली मैं और मेरे फ्रेंड्स ने केरला ट्रिप प्लान किया था आज की इवनिंग के लिए, इसीलिए इतनी शॉपिंग की है आज। इस वक्त फ्लाइट में रहना चाहिए था, ऐसे लिफ्ट में रहना पड़ रहा है। क्या हुआ? पूरे मॉल में लाइट चली गई होगी शायद। अरे यार, बैटरी के सहारे शायद ऑटोमेटिक लाइट चल रही थी। तो अब? मोबाइल लाइट का सहारा है। मोबाइल। ओह गॉड। वन सेकंड।
नाइस है ना, आइडिया अच्छा है। वो तो ठीक है पर वाइन चलेगा ना तुम्हें? ओहो बढ़िया प्रिपरेशन में लगता है तुम्हारा पूरा बैच। हाँ Why should only boys have all the fun? By the way, ये ब्रांड चलेगा ना? मुझे ब्रांड से कोई लेना देना नहीं, कंटेंट चाहिए बस। Wow, moonlight जैसी लगने वाली ये मोबाइल लाइट, and what a lovely romantic night. बल्ला कुआरा लगता। बाप रे। ऐसे हालात में वाइन ऑफर करके रिस्क तो नहीं ले लिया ना। हेलो क्या हुआ, यही सोच रही हो ना कि वाइन ऑफर करके कहीं रिस्क तो नहीं ले लिया? तुम्हारे एक्सप्रेशन से ही तुम्हारी सोच समझ आ रही है। तुम ये सब सोचकर बेकार की टेंशन मत लो। और तुम लड़कियों को एक ग्लास पीते ही भूगोल भवरे की तरह सर घुमाई देता दिखता। मैं तो पूरी बॉटल बॉटम्स अप करने के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही रहता हूँ, सो डोंट वरी। अब हम कंट्रोल खोएंगे और सुबह होते ही तुम्हारे आंसू टपकेंगे, ऐसा सीन तो नहीं होगा? बाबू बस समझ गई मैं, लेट्स एंजॉय। हाँ ठीक है। तुम्हारी आइडिया में थोड़ा सा रंग डालकर मूड सेट करती हूँ। सेटिंग तो बहुत बढ़िया लग रही है। पूरे देश में लग रही है। तुम यहाँ पर आ जाओ। मैं कबाब में आती हूँ ना। Waiting for the sunshine. Waiting for the sunshine. So what next? Wine, wine. इस लड़के से रुका नहीं जा रहा। Can you pass on my guitar? जम जमा
पवन तुम तो बहुत सुपर हो। तुम तो बोल रहे थे भूगोल गोल गोल घूमेगा, आई मीन लट्टू की तरह गोल गोल घूमेगा, लेकिन तुम तो टोटली मुझे किसी दूसरे प्लैनेट ले गए। बैटरी खत्म हो जाएगी तो मैं मोबाइल लाइट ऑन करता हूँ। तुम्हें नींद आ रही है ना, तुम आराम से सो जाओ। ये क्या कर रहे हो? समीरना, नो, I said no. समीरना, no, you idiot. समीरना, no, no, get away. I'm really sorry, Pavan. I'm so sorry. शायद नींद लग गई थी मुझे। Actually मेरे chest पर चूहा आ गया था तो I thought it was you. Suddenly चूहे को expect नहीं कर सकते हैं ना? I can understand. It's embarrassing for you. But I'm sorry, Pavan. ऐसे मत देखो प्लीज। मैं रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ समीरना। मेरी स्ट्रेंथ मेरी वीकनेस दोनों यही है। एंड अकेले में मेरे साथ रहने वाली लड़की से मैं मिसबिहेव करूँ इतना चीप नहीं हूँ। तुम गलत समझकर मुझे मारी तो मुझे बुरा नहीं लगा समीरना। मुझे तो बुरा मानने का हक भी नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग में मैंने भी तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही मारा था ना। सो नो मेलोड्रामास। यू नो व्हाट, तुम्हारे गुस्से के अलावा तुम्हें कोई कमी नहीं है पवन। तुम साफ हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अब मुझे तुम स्ट्रेंजर हो ऐसा महसूस नहीं होता। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू पवन। Good night. Happy birthday, Sameerana. Thank you so much. This is totally unexpected. अब तक मेरी लाइफ में सबसे बड़े सरप्राइजेस सिर्फ दो ही हैं। वो दोनों भी आज ही हुआ। दोपहर के 12 बजे तुम्हारा मुझे चाटा मारना और रात के 12 बजे ऐसी जगह पर ऐसे हालात में तुम्हारा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना। मैं केरला में फ्रेंड्स के साथ केक कट करने पर भी मुझे इतना थ्रिल शायद नहीं मिलता। अगर फेमिना के कवर पेज पर मेरी फोटो आती ना और फेसबुक पर मेरी फोटो को 1 मिलियन लाइक्स मिलने पर भी इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितना शायद आज हुई है। माय ग्रेस। थैंक यू।
कोई बात नहीं. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अपना फोन दोगी क्या? कहा था ना तुम्हारे पास तुम्हारे गाने का एक भी रिकॉर्डिंग नहीं है. दिस इज योर फर्स्ट एंड बेस्ट रिकॉर्डिंग. आई विश इस साल तुम अपने ड्रीम्स को जरूर हासिल करोगी. इस लिफ्ट में तुम मुझे लाइफ टाइम भर के गिफ्ट दे चुके हो. ये बर्थडे मुझे हमेशा याद रहेगा. दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लिया हुआ केक है लगता है. मेरे लिए क्यों इस्तेमाल कर दिया पवन? उनका बर्थडे तो वैसे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा. एटलीस्ट उसी दिन तुम्हारा बर्थडे होने के कारण आई एम हैप्पी. चाहे कुछ भी बोलो, अपनों के लिए खरीदे हुए केक में इमोशंस होते हैं और उसमें हमारा प्यार, जिसके लिए खरीदा है, उन लोगों की खुशी, दोनों छिपे होते हैं. लगता है इस केक में चूहे की भी खुशी है. ए पवन, क्या कर रहे हो? किस लिए उसे ऐसे कैद कर रहे हो? अरे मुझे चूहे से बहुत एलर्जी, डर लगता है. देखो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए. क्या, चूहे से डर लगता है? क्यों? वो एक्चुअली मेरी लाइफ की बहुत बहुत बड़ी घटना है. क्या था वो घटना? बचपन में दादाजी अब्रॉड गए थे, वहाँ से मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आए. मेरे स्कूल से लौटने तक मेरी दीदी सारे खाकर एक ही बचा कर रखी थी. वो चॉकलेट आधी खाकर आधी अपने पॉकेट में रखकर ही सो गया था. वो बचे हुए आधे टुकड़े को चूहा खा गया. वो चॉकलेट खा गया था, इसका दुख नहीं था. चॉकलेट के साथ मेरी चमड़ी भी खा गया था. फिर भी तुम्हें ऐसे कैद नहीं करना चाहिए. बेचारा. क्या कहा, बेचारा? तुम तो कैरी बैग में मछली को कैरी कर सकती हो और मैं बॉक्स में चूहे को कैद नहीं कर सकता. अरे मैंने उसे पालने के लिए ऐसा किया है. और मैंने पीछे छुड़ाने के लिए ऐसा किया. वैसे भी पूरी रात उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ घुस कर क्या क्या करेगा. इसीलिए सेफ्टी के साथ पैक करके बाजू में रख दिया. मेरे लिए माँ कितनी परेशान होगी सोचकर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है. और तुम्हारे पापा का क्या?
जब मैं 5 साल की थी माँ पापा का डिवोर्स हो गया था, तब से घर पे हम दोनों ही रहते हैं। आदमी का सहारा ना होने के कारण माँ ने मुझे बोल्ड परवरिश दी है, बहुत ज्यादा फ्रीडम देती है। उन्होंने इंडिपेंडेंटली जीना सिखाया है। हमेशा मेरे लिए परेशान रहती है और सोचती रहती है जब देखो तब। तो फिर फोन करके बात कर लो। मैं सही सलामत हूँ माँ, और पवन नाम का एक लड़का भी है साथ में। ट्रिंग 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 ट्रिंग। समी, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? एक फोन नहीं, कुछ भी नहीं। फोन करो तो कनेक्ट नहीं हो रहा। तुम्हारी वजह से टेंशन में मर रही हूँ मैं। माँ, घबराओ मत। तुम कैसी हो? मैं शॉपिंग मॉल में लिफ्ट में फंस चुकी हूँ। डरो मत, मेरे साथ पवन नाम का एक लड़का भी है, बहुत अच्छा है। अरे, लिफ्ट में कौन फंसता है? वो भी अकेले में किसी लड़के के साथ? संभल कर समी, असल में इन छिछोरों के बारे में तुम जानती नहीं हो। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो रोमियो समझ रही थी, लेकिन मुलाकात बढ़ने के बाद राम लग रहा है। आखिर लिफ्ट में फंसे कैसे हो तुम? वो भी उस लड़के की वजह से। खींच कर कान के नीचे बजाया और लिफ्ट से निकलने भी नहीं दिया। इतने में बॉम्ब फटा और पावर भी चला गया। ऐसे ही रहना पड़ रहा है। अरे, उसको क्या हो गया? अरे, चांद जैसी लड़की को चांटा मारने का उस दरिंदे का मन भी कैसे हुआ? ध्यान से रहना बेटा, तुम्हारे बाहर आते ही उसे अंदर कर देंगे। बताई थी ना माँ, वो बहुत अच्छा है, अब उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा क्या, इतने में ही पसंद आ गया? दोनों ने मिलकर लिफ्ट में कोई गलत काम तो नहीं शुरू कर दिया ना? तुम्हारी तो, तुम तो जानती हो ना माँ, मुझे इम्प्रेस करना है तो कम से कम बॉलीवुड सिनेमा के सारे हीरोज के सुंदरता मिलकर पैदा होने वाला चाहिए। ठीक है, बस भी करो बेटा, ऐसा सोचने वाला को ही चांद सा टकला या फिर बटला मिलता है। ऐसे लड़के हार पहनी हुई अपनी फोटो को हाईवे पर जैसे होल्डिंग लगाते हैं ना, वैसे ही लिविंग रूम में 6x5 feet की फ्रेम बनाकर अपनी फोटो लगाते हैं। पवन, माँ अकेली कैसी होगी सोचकर ही डर लग रहा है। कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसे हमें कब तक बैठना होगा ये हमें भी नहीं पता। और इस वक्त सब कुछ कितना शांत होगा ना, हम जोर से चिल्लाकर लिफ्ट के डोर्स बजाएंगे तो किसी को सुनाई देने का चांस है। ट्राई करें क्या? प्लीज। प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ऐसा कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा समीरना। मेरे ख्याल से मॉल में एक पंछी भी नहीं होगा। मैं भी दादाजी का बर्थडे मिस नहीं कर सकता, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इतने घंटों तक चुपचाप रहना पड़ा। एनीवे, तुम्हारी बात को क्यों मना करें? वैसे भी कुछ टाइम पास करने के लिए नहीं है, ट्राई कर लेते। चलो। हाँ, ठीक है। चलो। रेडी? रेडी। 1, 2, 3, गो। Help! Come on, Pavan, force का इस्तेमाल करो। ऐसा force? Man force क्या? Doors को जोर से मारने का कह रही हूँ। You know, हमारे चिल्लाने से outer ring road हिल जाना चाहिए। Oh, जैसे सुबह इतनी सारी भाषाओं में चिल्लाई थी वैसे? उसकी जरूरत नहीं है, हिंदी में चलाओ काफी है। कैसे? Outer ring road हिल जाए वैसे? Yes. ठीक है तो अब देखो। Help! Help! जाने दो समीरना, प्यास लगी तो पीने को पानी भी नहीं है। ए, थोड़ा इधर आकर खड़ी हो जाओ। क्यों?
यहाँ से दौड़कर वो दरवाजा तोड़ देंगे क्या? उस पोस्टर के आगे तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, देखो मैनफोर्स की ब्रांड एम्बेसडर लग रही हो। ओह, मतलब सनी को बीट करने वाली ब्यूटी मुझ में है, मानते हो ना? हैं? इतनी खुशी किस बात की है? हे पवन, ट्रूथ एंड डेयर खेले क्या? पर इस गेम में एक छोटा सा चेंज होगा। यहाँ पर हम टी से ट्रूथ और डी से डेयर वाले लेटर्स लिखते हैं। बॉटल घुमाने वाला जो ये पॉइंट जो ये लेटर दिखाएगा वो उसे करना ही होगा, समझे ना? By mistake, जब तुम घुमाओगी और तुम्हारी तरफ डेयर आ गया तो जो मैं कहूंगा वो करने की डेयर तुम में है क्या? Of course, with no condition supply. अरे बाप रे, पहले की पीओई अभी तक उतरी नहीं है लगता। अरे ज्यादा मत सोचो पवन, just a time pass. Come on, bottle घुमाओ। Ladies first always. Okay. गई मछली जाल में। देखो आया मछुआरा। लगता है चूहा जाल को काटकर बचा लेगा। पगलाट लड़की। So, जो डेयर बोलूंगा वो तुम करोगी ना? आंसर देने से पहले सोच समझ कर बोलना। सिक्स सेंस प्रोग्राम में ओमकार भैया इमिटेट कर रहे हो वैसा लग रहा है। आंसर देने से पहले सोच समझ कर बोलो तुम। पहले ही बोला था ना, आई एम रेडी। अब तुम्हारी कोई भी शर्तें लागू नहीं होगी। मुझे अब भी इधर ही तुम्हारे साथ मिलकर करने का मन है भाई। इससे शुरू होने वाला काम अभी क्या, अभी गिटार बजा देगा क्या? What? डेयर करोगी कि नहीं? Of course, I love doing it. बार 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 मेरी सांसें थमने तक। इसमें तो सनी लियोनी घुस गई। Let's do it. S-I-N-G सिंग। अरे वाह, ये लड़की ने तो बहुत स्मार्ट ली, इसका के एलपीडी कर दिया। तुम भी ना। ओके, लेट्स सिंग। चांदनी है खिलती जैसे फूल बगिया में बिखरते, बारिश है प्रेम की, हाँ प्रेमी देखो कैसे जो नजरें मिलती दोनों की, हाँ देखो दोनों कैसे नाच, चलते चलते रास्तों पे कोई गिरता कोई हरे बनी मुस्कान है, देखो कैसी बजे कानों में कनक पायल की, उसकी मैं बातें करूँ रातों को मैं जागा करूँ, संग ना हो वो मेरे तो मेरा कहीं मन न लगे। Now, your turn. Hey, it's true. Come on. भगवत गीता की कसम खाकर कहो, मैं सब कुछ सच सच कहूंगा कहकर तुम्हें अब सब कुछ सच ही बताना होगा। I love you. क्या हुआ, शॉक लगा क्या? मैं सच कह रहा हूँ समीरना। मतलब प्रपोजल्स नया नहीं है मेरे शॉक होने के लिए। Obviously, मेरी खूबसूरती के लिए हजारों प्रपोजल्स का आना कोई वंडर की बात नहीं है, पर इतनी जल्दी इस तरह का डिसीजन लेकर सिंसियरली प्रपोज करने वाले तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हें 3 महीने पहले ही देखा था। इंडियाज ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट स्वरा म्यूजिक फाउंडर मेरे दादाजी हैं। तुम वहाँ एक बार गाने के ऑडिशन के लिए आई थी। गुरु समान महान गायकी और गायकों को मेरा प्रणाम। मैं भी आपकी तरह महान गायक बनना चाहती हूँ। मेरी फोटो फ्रेम को भी ये देखो, यहीं
आपके पास ही जगह मिले मुझे ऐसा आशीर्वाद देकर मुझे अंदर जाने की इजाजत दीजिए। ओके सर। मैडम आपको अंदर बुला रहे हैं। Yes, Miss Sameerana, you can go for the tip. प्यारी प्यारी धुन बनी मेरी मुस्कान, प्यारी प्यारी धुन बनी मेरी मुस्कान, छूके मेरे मन को मेरे हंसी पर। क्या हो गया इसको? हाँ शायद नर्वस हो गई है। बाद में सोचते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट टाइम बुला मेरे मन को मेरी ये हंसी पर। I'm sorry sir, गाने के लिए आपने मुझे मौका दिया है पर मेरा अस्थमा मुझे गाने नहीं दे रहा है। आत्मविश्वास बढ़ाओगी तो तुम जरूर अस्थमा पर जीत हासिल कर सकती हो। तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है मिस समीरना। आस को नहीं छोड़ना चाहिए, आशय को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम सब भी कोशिश ही कर रहे हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम एंड टेक केयर। थैंक यू सर। क्यों मुझे देखकर हंस रहे हो क्या? अगर आपने आशीर्वाद दिया होता तो जरूर मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता। मैं एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी। मेरी फोटो फ्रेम भी यहीं, वही, वो भी मेरी यंग एज वाली। जरूर उसे भी जगह मिलेगी, देख लेना। The voice of passion. इतनी यंग एज की फोटो है, मतलब 10 स्टैंडर्ड की फोटो होगी शायद। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अभी जो लड़की आई थी वो दुखी होकर क्यों चली गई? जरा प्रॉब्लम हो गई, उसकी आज की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। लेकिन उसमें कोई बात तो जरूर है। फेस दिखता तो अच्छा होता है। ये तो मेरी है। उस दिन ये फोटो मैंने, हाँ वही है, वहीं से ली हुई फोटो है। उस दिन तुम्हारे हाथ का ये टैटू भी देखा था। अब तुम बॉटल दे रही थी तो फिर से वही टैटू दिखाई दिया। The voice of passion. बिना मुलाकात के ही उस दिन लड़की को पसंद कर लिया था। उस दिन जो लड़की देखी वो लड़की तुम ही हो ये पता चलते एक पल भी मैं रुक नहीं पाया। इसीलिए तो मैं अभी प्रपोज कर दिया। पवन, असल में तुम्हारी जैसा मेरी लाइफ में कोई होना ही नहीं चाहिए। तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा मेरा ओपिनियन तुमने बदल दिया है पवन। सिचुएशन चाहे जो भी हो, जहाँ एक लड़का था वहीं पर मैंने डायपर पहन लिया,
ऐसे हालत में ज्यादा मुलाकात ना होने वाला एक इंसान मेरी बर्थडे को इतनी शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेगा सोचा भी नहीं था मैंने। मेरे जीने का तरीका और मेरा मोटिवेशन मेरा सिंगर बनना है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया था, लेकिन तुमने मुझसे गाना गवाया विथ रिकॉर्डिंग। You are truly an impressive guy, Pavan. But I don't know. तुम मुझे देखते ही क्यों इमोशनली कनेक्ट हो गए? इसीलिए तुमने मुझे प्रपोज कर दिया। गलत नहीं है, पर मुझे भी तुमसे इमोशनली उतना कनेक्ट होना चाहिए ना? और इम्प्रेस होना अलग है, इमोशन से कनेक्ट होना अलग। एक मोमेंट होता है ना पवन, आगे पीछे कुछ भी बिना सोचे, यस, ही इज द वन कहकर आकर हग करके आप अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे अब तुमने किया है, ऑलमोस्ट वैसे ही। ऐसे मोमेंट पर मैं भरोसा करती हूँ और ऐसे मोमेंट का मैं वेट कर रही हूँ। वो मोमेंट जिसके साथ क्रिएट होगा वही मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, बिलीव मी। आई होप यू अंडरस्टैंड। और वैसे भी खूबसूरत लड़की हूँ, इतनी जल्दी किसी से पट नहीं सकती ना। मैं उसी मोमेंट का इंतजार करूंगा। ओ अच्छा, तो फिर मॉर्निंग में विसल बजाते हुए मजाक में कुछ गा रहे थे ना, डंक जैसी आंखें, मछली जैसा मुखड़ा, सांप तू डसे, और वो क्या था, वो रैप भी गाया था ना, कुंडली से तेरी जो भी बंधा वो गर्मा गर्म तेल में है जला। क्यों, अपना मन बदलना है तो अभी बदल लो। शिट, पवन, शिट, कैंडल्स को बुझा देना चाहिए था। चल रही है, अस्थमा है ना, धुएं की वजह से ज्यादा हो रहा है। हे समीना, कुछ नहीं होगा, इट विल बी ओके, बट वो कुछ होता है ना, वो व्हाट इज इट, इनहेलर। हाँ, इनहेलर, इनहेलर वो है क्या तुम्हारे पास? वो खरीदने के लिए तुम्हें लिफ्ट की डोर खोलने के लिए कह रही थी, बट सो सॉरी, कम ऑन समीना, मैंने जो किया उसके लिए माफ करो। I'm so sorry, तुम्हारी दूसरी कोई दवाई है क्या? अब कुछ नहीं कर सकते हैं पवन, उस फिश को निकाल कर जमीन पर डालकर उसका जो हाल होगा वही मेरा हाल है। समीरना, look at me, you'll be fine, huh? समीरना, you should be fine. इतनी खूबसूरत हूँ, फिर भी मुझे अस्थमा है ना भवन? कोई है तो दरवाजा खोलो। Hey! Try करते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। Keep looking at me. Huh?
सुनो समीरना, see everything will be fine. See. तुम सांस हो, मैं वायु. Remember? हाँ, मैं हूँ ना. अगर लड़कियां आइंस्टीन बनकर पैदा होते हैं तो चूड़ी के बजाय कॉइंस डालते हैं क्या? सुनो मामू, लड़कियां अगर आइंस्टाइन होती तो कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सोच सकते हो? समीरना, सॉरी समीरना. समीरना, I'm so sorry. तुम्हारी इस हालत का कारण मैं ही हूँ. मेरी गलती के साथ साथ तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए समीरना. प्लीज लिसन समीरना. नहीं, एक बार एक लंबी सांस लो समीरना. हमें लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है. सारा म्यूजिक में तुम्हारी फोटो फ्रेम लगे, उतनी बड़ी सिंगर बनना है तुम्हें. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, तुम्हें बिना किसी के सोच कर दौड़ कर आकर मुझे हक करना है और आई लव यू बोलना है. समीरना, लंबी सांस लो. तुम्हें कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन. समीरना. सपनों की चादर में है तू लिपटी और मैं हर पल मेरा तुझको ही खोजना. आ तेरी सांसें मेरे दिल के आहें खामोशी में भी क्यों तू लगता अपना सा. झगड़ा इन हाथों ने गुस्सा तेरी आंखों में अब कैसे रह पाऊंगा मैं तेरे बिना. हाँ खुद को कोसूं मैं तुझ तड़पाया मैंने मेरे हाथों में टूट रहा सपना मेरा. खो रहा हूँ मैं तुझे, खो रहा हूँ मैं अपनी बाहों में. खो रहा हूँ मैं दिल के अंधेरों में गम की गहराई में खो रहा हूँ मैं, हाँ रो रहा हूँ मैं. मांगू मैं तुझको मोहलत दे मुझको. तार से मेरा हाथ कट जाए तो भी चलेगा, पर इस पर एक खरोंच भी आई तो मुझे बहुत हर्ट होगा. जल बिन मछली ने लहरों से गुजारिश की संग ले चल तू अपने मर जाऊं बिन तेरे. किरणों से धरती पे गर्माइश सी बरसे उड़ते संग पंछी जब मौसम बदले. तेरी खामोशी के डर से मेरा दिल बैठा जाए इसे कैसे समझाऊं धड़कन मेरी हारे. ये दूरी से पाऊं ना चाहूं पर कह पाऊं ना तू रह जा साथ मेरे. किस्मत ना साथ दे
वक्त यूं बह रहा जैसे सर के रेत हथेली से, क्यों लाचार हैं हम, शून्य हो रही सांसें, आई रात ये कैसे, सुबह नहीं जिसके रे। मेरे सामने वाला भी पीता रहेगा तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, यही सच है। जब प्रॉब्लम्स देते हैं तो उसके आसपास कोई ना कोई सलूशन भी देते हैं। हाय गाइस, मैं और एक लड़की, समीरना नाम है उसका, यह मॉर्निंग में ब्लास्ट हुए बीएसएन मॉल के लिफ्ट में बेसमेंट में फंसे हुए। अब इस लड़की को अस्थमा अटैक की वजह से सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही, ये कब तक जिंदा रह पाएगी नहीं पता, क्या करें, यहाँ से कैसे बाहर निकले कुछ समझ नहीं आ रहा, मेहरबानी करके कोई हमें बचा लो प्लीज, पुलिस को यहाँ पे रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कीजिए प्लीज, प्लीज सेव अस। ये वीडियो शूट होने की डेट है 21 जनवरी और अभी समय सुबह के 4:30 हो रहे हैं। वन सेकेंड, ये देखिए, आते वक्त मेहरबानी करके एयर फ्लो इस नाम का इनहेलर लेकर आइएगा, भूलना मत प्लीज 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 सेवा प्लीज।
सर ये मेरी बेटी। अरे आप बैठिए, चिंता मत कीजिए, बैठिए बेटी, आप चिंता मत कीजिए, बैठिए सर प्लीज। कंट्रोल रूम। सांसें अटकती है तो मेरी सांसें रुक जाती है बेटा, और जा अपने आप को संभाल बेटा, अपनी आंखें खोल। मेरा बच्चा, जा समय समय Thank you.
नहीं दीदी, ये सब मेरी वजह से हुआ। लाइफ लॉन्ग अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सारा म्यूजिक में तुम्हारी फोटो फ्रेम लगे, उतनी बड़ी सिंगर बनना है तुम्हें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, तुम्हें बिना किसी के सोच कर दौड़ कर आकर मुझे हग करना है और आई लव यू बोलना है। Love you, Pavan.
जब तक जान पर नहीं बनाई तब तक मुझसे प्यार करने का मन नहीं किया क्या? पता नहीं, उसी मोमेंट में मुझे तुम्हारा प्यार समझ में आया शायद, पर तब तुम्हें ऐसे हक करके बताने जैसा हाल नहीं था ना। मेरी सांस रुक रही थी हर पल, मुझे क्या हो जाएगा सोचकर परेशान हो गई थी। उसके बाद तुम्हारा वही हाल हो गया था, वहां जितना प्यार करने वाला मिलेगा तो उसी कौन सी लड़की मना करेगी भला। लेकिन तुम्हें इंप्रेस करने के लिए बॉलीवुड के सारे हीरोज की खूबसूरती मिलाकर पैदा होना चाहिए ना। वैसा तो कोई नहीं होगा, वैसे भी उतना सुंदर इस धरती पर पैदा होने के लिए मुझ जैसी खूबसूरत माँ चाहिए उसे। समझ गई मैं, अपना कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करती हूँ, बाय। फोन करती हूँ। शिट। शिट। Keep it moving, we're running out of time, running out of time.